मुख्यालय गौरीगंज सिंचाई विभाग कर्मचारियों का लगातार तीसरे दिन अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन जारी रहा। वे प्रदर्शन में मौजूद कर्मचारियों द्वारा 16 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। तो वहीं इस दौरान प्रदर्शन कर रहे अधिकारियों ने बताया कि हमारा कार्यालय सिर्फ एक ईंट का बना हुआ है और टीन लगा के छत बनाई गई है जो कभी भी गिर सकती है, और यही नहीं चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। पानी भर जाने की वजह से जहरीले जीव जंतुओं का भी खतरा लगातार बना रहता है। तो वही कार्यालय के अधिशासी अभियंता सरदा सहायक खंड 41 के अधिकारी का आवास ठीक ठाक से बनाया है। वही कर्मचारियों ने अधिशासी अभियंता पर बात न सुनने का भी आरोप लगाया। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह। किस पोस्ट पे हैं? वरिष्ठ सहायक। पिछले 3 दिनों से आप लोग धरने पे हैं, क्या है पूरा मामला? मैं जिलाध्यक्ष मिनिस्ट्रियल का हूँ। मेरे 16 सूत्री मांगे हैं जिसमें अधिशासी अभियंता 3 माह से इसको लिंगारान कर रहे हैं। एक मेन हमारी मांग है पटल परिवर्तन। उच्च अधिकारियों के हमारे निर्देश हुए थे कि इसको 30 जून तक पटल परिवर्तन कर दिए जाए, मगर हमारे अधिशासी अभियंता महोदय जो है नौवें महीने उन्होंने किए, 7वें महीने में करनी चाहिए, 9वें महीने में पटल परिवर्तन का कार्यक्रम उन्होंने किया। पहले तो उन्होंने हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देशों का पालन नहीं किया, दूसरा जब किया भी तो शासनादेश जो है उसके विपरीत में अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के हिसाब से पटल परिवर्तन किया। अब उसके बाद एक बिल्डिंग का मामला है जिसमें हम 8 बाबू रह रहे हैं, वो एकदम जर्जर है। उसमें पहले अधिशासी अभियंता बैठा करते थे और एक बार उनको हमने अवगत कराया, उन्होंने देखा कि इसकी दीवारें हिल रही हैं, तो अपने लिए इस तंबू के पीछे अपने लिए उन्होंने 15 लाख की खर्च करके एक बिल्डिंग बनाई जिसमें बड़ा बेहतरीन चेंबर बना लिया, मगर हम लिपिक 8 लिपिक समूह के लिए उन्होंने कोई बिल्डिंग की कोई व्यवस्था नहीं की। जब मैंने उनसे ये सारी चीज़ों की कही तो उन्होंने हमसे कहा कि मैं आप मेरे कार्यालय के कार्यों की समीक्षा नहीं कर सकते, तो क्या यहाँ पे इनके सामने अपनी बात को रखना ही दुश्वार हो गया है? अगर इनके सामने अपनी बात को रखा जाएगा तो ये हमें गलत तरीके से लेटर दे के हमें दबाने की कोशिश करें। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी की गई तो क्या करेंगे? हम इसी तरह अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हम वैसे भी बैठे हैं, जब तक इस चीज का निराकरण नहीं किया जाता है तब तक हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, हम अपना सघन नहीं करेंगे।